देश दुनिया में कोरोना वायरस कहर बनकर टूटा है। अब इस महामारी को पटकनी देने के लिए दुनिया भर में अलग अलग देशों में वैक्सीन पर काम हो रहा है। इधर भारत बायोटेक की वैक्सीन ट्रायल के लिए गुजरात पहुंच गई है। इसे अहमदाबाद के 16 सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां 1000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। ICMR की गाइडलाइंस के तहत वैक्सीन को तय किए गए तापमान में रखने के लिए एक खास कमरा अस्पताल में तैयार किया गया है। गुरुवार से ह्यूमन ट्रायल शुरू होना है, इसके लिए टीम बनाई गई है। भारत बायोटेक के वैक्सीन के ट्रायल के लिए एथिकल और साइंटिफिक कमेटी की अनुमति भी मिल चुकी है। बता दें कि भारत बायोटेक कोवैक्सीन वैक्सीन बना रही है। ट्रायल के दौरान इसमें करीब 60% से ज्यादा सफलता दिखाई दी है, जो कि अगले साल के बीच में लॉन्च की जा सकती है। कंपनी की ओर से करीब 500 मिलियन डोज बनाने की तैयारी की जा रही है, जिन्हें स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री तापमान की जरूरत होगी, जिसमें करीब 26,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बयान दिया था और कहा था, भारत की वैक्सीन अब फाइनल स्टेज में है और इनके जल्द ही बाजार में आने की उम्मीद है। भारत में वैक्सीन का उपयोग कैसे होगा, वितरण कैसे होगा, उसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो सभी बिंदुओं पर गौर कर रही है। कमेटी के द्वारा ही वैक्सीन देने की प्राथमिकता को तय किया जाएगा, ताकि हर किसी तक वैक्सीन पहुंच सके। भारत में वैक्सीन की डोज के लिए पहली प्राथमिकता में स्वास्थ्य कर्मी और कोरोना वॉरियर्स हो सकते हैं, जिसके बाद बुजुर्गों का नंबर आ सकता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।